उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रविवार देर शाम एक तेज रफ्तार ट्रक और वैन की भिड़ंत से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे के बाद वैन में आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मारुति वैन का अगला पहिए का टायर फट गया। टायर फटने की वजह से वैन असंतुलित हो गई और गलत दिशा में चली गई। उसी दौरान दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा था और वैन ट्रक में जा घुसी। इससे पहले 10 जनवरी को कन्नौज में हुए भीषण सड़क हादसे में यात्रियों से भरी बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई और 20 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के फरक्का में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। निर्माणाधीन पुल के हिस्से के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। गंगा नदी पर फरक्का ब्रिज का निर्माण हो रहा था, उसी समय ये पुल गिर गया। हालांकि पुल कैसे गिरा इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेंग सिंह अहलूवालिया ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर अपनी किताब में बड़ा खुलासा किया है। अहलूवालिया ने दावा किया है कि राहुल गांधी के 2013 में अध्यादेश फाड़ने संबंधी घटनाक्रम के बाद मनमोहन सिंह इस्तीफा देने वाले थे। मनमोहन सिंह ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अहलूवालिया ने मनमोहन सिंह को इस मुद्दे पर इस्तीफा नहीं देने की सलाह दी थी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमाम दबाव के बावजूद उनकी सरकार फैसले पर अडिग है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करने और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद कहा कि देश आज वो फैसले भी ले रहा है जो हमेशा से पीछे छूट जाते थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून, वर्षों से देश को इन फैसलों का इंतजार था। उन्होंने कहा, देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के तमाम दबावों के बावजूद हम इन फैसलों पर कायम हैं और कायम रहेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बरसों से देश को इन फैसलों का इंतजार था। देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी ने काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में चल रहा है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि काशी आस्था के कुंभ से स्वरोजगार का कुंभ बना। प्रधानमंत्री ने बदलती दुनिया, बदलते समय, बदलती मांग के अनुसार उत्पादों में भी जरूरी बदलाव करने पर जोर दिया और इसके लिए पारंपरिक उद्योगों से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग, आर्थिक मदद, नई तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा देनी बहुत जरूरी है। वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 1,250 करोड़ रुपए की लागत वाली करीब 50 विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 430 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल और 74 बिस्तरों वाला मनोरोग अस्पताल भी शामिल है। मोदी ने एक वीडियो लिंक के जरिए IRCTC की महाकाल एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। देश की पहली ओवरनाइट ये प्राइवेट ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। इससे पहले मोदी ने वीरशैव समुदाय के जंगमबाड़ी मठ में आयोजित श्री जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के शताब्दी समारोह के समापन पर कहा कि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता बल्कि एक एक नागरिक के संस्कार से बनता है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण ही नए भारत की दिशा तय करेगा। राम मंदिर मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में कानून के तहत जो 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई, वो भी पूरी की पूरी नव गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ट्रांसफर कर दी जाएगी। कुछ दिन पहले ही सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन का करने का भी घोषणा की। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का काम देखेगा और सारे निर्णय लेगा। कर्नाटक समेत अनेक स्थानों के संत इस ट्रस्ट का हिस्सा है। ये काम
पूज्य संतों के आशीर्वाद से शुरू हुआ और संतों के आशीर्वाद से ही पूरा होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल के साथ छह मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, उनमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र गौतम शामिल हैं। हालांकि विभाग का आवंटन होना अभी बाकी है। पहले अटकलें थी कि आतिशी और राघव चड्ढा को भी नई कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पुरानी टीम के साथ ही अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया। दिल्ली फतेह के बाद आम आदमी पार्टी अब मिशन इंडिया शुरू करेगी। पूरे देश में संगठन को मजबूत करने और लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी। राष्ट्र निर्माण अभियान नामक कैंपेन के तहत 1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत 23 फरवरी को होगी। अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद आपके संगठन प्रमुख और दिल्ली के प्रदेश प्रमुख गोपाल राय की अन्य राज्यों से आए पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। राष्ट्र निर्माण अभियान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, गोवा के साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों में भी चलाया जाएगा। झारखंड में आज दोपहर करीब 2 बजे जेवीएम का बीजेपी में विलय होगा। इस दौरान जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। रांची के लहरतारा मैदान में आज एक कार्यक्रम में झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय किया जाएगा। झारखंड चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने पर बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का विलय बीजेपी में करने का फैसला किया है। बाबूलाल मरांडी ने आज 14 साल पहले बीजेपी से ही अलग होकर नई पार्टी बनाई थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी बाबूलाल मरांडी को झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तेलंगाना कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को नागरिकता कानून में सभी धर्मों को शामिल करने की अपील की है। इतना ही नहीं, तेलंगाना सरकार सीएए के खिलाफ दूसरे राज्यों की तरह प्रस्ताव लेकर आएगी। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले सीएए के खिलाफ केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के एक वीडियो ने फिर से देश में सियासी भूचाल ला दिया है। ये वीडियो जामिया की लाइब्रेरी का बताया जा रहा है। 10 मिनट के पूरे वीडियो में कुछ नकाबपोश लाइब्रेरी में घुसते दिख रहे हैं और छात्र उन्हें छिपाते नजर आ रहे हैं। कई नकाबपोश छात्र हाथों में पत्थर के साथ भी देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही जामिया की लाइब्रेरी में पुलिस के एक्शन का भी एक वीडियो जारी हुआ है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 15 दिसंबर 2019 का वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि पुलिस ने बर्बरता से छात्रों को पीटा। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी ने किनारा करते हुए कहा कि वीडियो से उसका कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नागरिकता कानून के समर्थन में धर्म संवाद का आयोजन किया गया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान को सीए से दिक्कत है तो पाकिस्तान भी इस तरह का बिल ले आए और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। पाकिस्तान को भी लगता है, चिल्ला रहा है, यूनाइटेड नेशन जा रहा है, जगह जगह बोल रहा है सीए के थ्रू, अगर उसे भी लगता है वो भी एक कानून ले आए। यहाँ धार्मिक प्रताड़ना जिनको लगता होगा वो जा कोई नहीं जाएगा जी, और उससे बढ़िया अल्पसंख्यक का सम्मान कहीं ना। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेकर अपने विचारों को थोपना अभिव्यक्ति नहीं है। आरिफ मोहम्मद ने दो टूक कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेकर दूसरे के जनजीवन को बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है। जाहिर है कि इस मसले पर केरल के गवर्नर को अपने राज्य में भी सत्ताधारी एलडीएफ और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खान ने शाहीन बाग को लेकर ये टिप्पणी गोवा में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में 24 फरवरी को अहमदाबाद में होने वाले भव्य समारोह का नाम केम छो ट्रंप नहीं बल्कि नमस्ते ट्रंप होगा। नाम में ये बदलाव केंद्र सरकार के कार्यक्रम को राष्ट्रीय रंगत देने के लिए किया गया है। इस कड़ी में राज्य सरकार को इसके लिए जरूरी निर्देश और इसके अनुरूप आवश्यक प्रचार सामग्री तैयार करने को बाकायदा अहमदाबाद नगर निगम ने नए पोस्टर भी जारी किए हैं, जिसमें केम छो ट्रंप नहीं बल्कि नमस्ते ट्रंप लिखा हुआ है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ 24 फरवरी को मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा का खाका भी तैयार कर लिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इस दौरान चौराहों के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 5 स्तरीय सुरक्षा देखने को मिलेगी। ट्रंप के आगमन पर दुकान और मकान की छतों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। ट्रंप के काफिले के दौरान किसी भी व्यक्ति को वीडियो और फोटो बनाने की कतई अनुमति नहीं होगी। लखनऊ में एकल अभियान के स्वराज सेनानी सम्मेलन की शुरुआत की गई। 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में कई अहम सत्र होने हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई और जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। सम्मेलन के पहले दिन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में लाखों लोग इकट्ठा हुए और समारोह में शिरकत की। 31 साल पहले गांव-गांव में ग्राम स्वराज का संकल्प लेकर शुरू हुआ एकल अभियान अब पूरे देश में व्यापक रूप ले चुका है। पाकिस्तान के कराची शहर में गैस लीक होने से 6 लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। कराची के केमारी इलाके में पाकिस्तानी नेवी के बायोलॉजिकल यूनिट से गैस लीक होनी शुरू हुई और फिर देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गैस लीकेज की चपेट में आए 80 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।